नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत सिंगोड़ा क्रीड़ा उद्यान को स्पोर्ट्स और कला के हब के रूप में विकसित करने की दिशा में विधायक सरयू राय ने पहल तेज कर दी है। शनिवार को यहां बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन ओलंपियन हरभजन सिंह ने किया। इसमें विधायक सरयू राय के अलावे क्षेत्र के गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर विधायक सरयू राय ने बताया कि टाटा स्टील एवं उनके विधायक अनिधि के सौजन्य से इस परिसर को खेल के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी महीने यहाँ विभिन्न प्रकार के इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की शुरुआत होगी, ताकि यहाँ के युवाओं को बेहतर मंच मिले और वे खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। प्रयास था कि अलग अलग खेल टाटा स्टील के बाहर के प्रभाव क्षेत्र में खेले जाएं, बच्चे मनोरंजन करें। टाटा स्टील ने बहुत कुछ किया है खेल जगत में, जमशेदपुर में, मगर सरकार और समाज का भी दायित्व है, इसलिए आज बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। कल हम लोग आर्चरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दाहिनी तरफ बन रहा है नेटबॉल का कोर्ट और हैंडबॉल का कोर्ट। इंडोर गेम के नाम से हम लोगों ने बिलियर्ड स्नूकर स्थापित किया है, और उसके साथ ही कैरम और टेबल टेनिस का भी इंडोर गेम के नाते खेल होगा यहाँ, और स्विमिंग भी फिर से हम लोग आनंद करेंगे। इतना अभी तक हुआ है, वो चाहते हैं इस क्रीड़ा उद्यान में तरह तरह खेल हो बच्चों के लिए। और भी हमने अपने विधायक निधि से कुछ प्रस्ताव दिया है, कुछ कुछ बाधाएं आ रही हैं, वे बाधाएं अगर समाप्त हो जाती हैं तो ये पूरा इलाका बच्चों के लिए खेल परिचय विकसित। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड होलसेल स्टोर है, जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पाडी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।